यूपीए ने 44 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इस ग्राफिक्स में जितना ग्रीन एरिया है वो यूपीए। और एक बड़ी खबर मिल रही है, मुलायम परिवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अखिलेश यादव 63,489 वोटों से आगे है, डिंपल यादव ने भी बढ़त बनाई हुई है और मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवार के 4 कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और बड़े अंतर के साथ में आगे हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम जिनकी बात यूपीए कर रहे हैं, दरअसल अब ये INDIA गठबंधन है और जिसको PDA नाम दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने। अक्षय यादव भी आगे चल रहे हैं। मुलायम परिवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 5 प्रत्याशी परिवार से थे, 4 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर है। ये देखिए स्क्रीन पर धर्मेंद्र यादव जो कि निरहुआ को टक्कर देते हुए आगे चल रहे हैं, एक बड़ी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कन्नौज से वो भी आगे चल रहे हैं और यहां पर भी बड़ा फासला दिख रहा है। बात कर ले डिंपल यादव की, मैनपुरी से चुनाव मैदान में है और वो भी आगे चल रही है और बड़ा अंतर इन्होंने भी हासिल कर लिया है। अभी तक 73,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। और परिवार का एक और चेहरा आदित्य यादव बदायूं से, शिवपाल यादव के बेटे, और वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं, 20,000 के लगभग वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 5 कैंडिडेट थे यादव परिवार के जिसको लेकर मेनका सियासत भी काफी हुई और अक्षय यादव भी आगे हैं। 58,818 वोटों के साथ में अक्षय यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। यानी कि ये जो 4 सीटें हैं एक तरह से कह सकते हैं कि काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और कन्नौज सीट की बात कर ले तो एक बार फिर से बीजेपी के पास से ये जो सीट है वो खसकती हुई नजर आ रही है, तो एक झटका इसे बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और जवाब साहब कुछ कह रहे थे, शायरी सुना रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्शन मोड दूसरे फेज के अंदर स्टार्ट करा, जो अनलगल बातें माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करी, मंगलसूत्र को लेकर के, भैंस को लेकर के, उसके बाद जो है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के तमाम चीज़ें कही, लेकिन जनता बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है अपने मुद्दों को लेकर के तमाम जगह पर। और जिस तरीके से झूठ फैलाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, अब तो आज की डेट में इंटरनेट है, तमाम चीज़ें वो फौरन वेरीफाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो हिंदू मुसलमान का कार्ड खेला गया था भारतीय जनता पार्टी ने, आज देश की आवाम ने ये साबित करने की कोशिश करी है कि देश के अंदर प्यार मोहब्बत और आपसी भाईचारे की बात चलेगी, नफरत की बात को भारतीय जनता पार्टी की ये देश की आवाम उखाड़ करके फेंकने जा रही है। इसके साफ संकेत आपके स्क्रीन के ऊपर और ये जो आंकड़े आ रहे हैं इसके अंदर नजर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि मोहब्बत की दुकानें खुलने जा रही हैं और नफरत का बाजार बंद होने जा रहा है। ये तमाम जगह पे जाकर के जो हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाने की कोशिश, अब आप लोग भी स्वतंत्र होकर के पत्रकारिता करिएगा, आप लोग देखिए हम पहले भी स्वतंत्र थे, हम पहले भी स्वतंत्र थे, कोई सैयद साहब, सैयद साहब पहले भी हम स्वतंत्र थे, कठोर से कठोर सवाल करिएगा, पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, आगे भी स्वतंत्र रहेंगे। सरकार जब आएगी तो आप कठोर से कठोर प्रहार करिएगा। सैयद साहब पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, कठोर से कठोर सवाल करिएगा। ठीक है, देश के गृह मंत्री, नए गृह मंत्री से कठोर सवाल करिएगा। अरे आप सरकार अभी नहीं बना रहे, सरकार अभी भी इंडिया गठबंधन की बनती नहीं दिख रही है।